तो आज हम बात करने वाले हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। ये कितने प्रकार की होती है और ये कैसे काम करती है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले तो मैं आपको इसके दो चार मॉडल दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ ये किस तरह की होती है। तो चलिए आपको भी और भी मॉडल दिखाते हैं। एक तो आपने ये देख लिया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सिंपल है। दूसरा तो ये, चलिए इसमें कलर ही चेंज हुआ है। ये भी हमारी इंडक्शन मोटर है, थ्री फेस मोटर है, ये थ्री फेस सप्लाई से चलती है। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में किया जाता है क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादातर थ्री फेस ही मोटर आपको लगी हुई मिलेंगी। चलो तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट मोटर हमारी कौन सी है। तो नेक्स्ट मोटर हमारी है ये हमारी फ्लंज मोटर है। ये देख सकते हैं आप, इसमें नीचे पैर नहीं बने हुए हैं, ये डायरेक्ट फ्लंज में ही कस जाती है ये मोटर जो हमारी है। और जो दूसरी मोटर थी उसमें नीचे पैर बने हुए थे, वो नीचे बोल्ट के जरिए कसती है। अब इसको हम खोलेंगे तो हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी मोटर। ये फ्लंज मोटर नहीं, सादी मोटर है। ये इसका रोटर रखा है पास में, देख सकते हैं आप। और ये हमारी स्टेटर है जो इसके अंदर हमारी वाइंडिंग की गई है। इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है इसी के ज़रिए हमारा ये रोटर घूमता है, ये देख सकते हैं आप। आपको एक और मैं दिखा देता हूँ। और इसमें सप्लाई हम देखिए कुछ इस तरीके से सप्लाई देते हैं, थ्री फेस की सप्लाई। इसके अंदर हम थ्री फेस की सप्लाई देते हैं तो ये हमारा घूमना शुरू होता ही है, ये मोटर जो है इसका रोटर घूमने लगता है। तो ये कुछ इस प्रकार घूमता है, आपको अंदर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक ये नॉर्थ है, एक ये साउथ है, दो तरीके से हमारा घूमता है। ये अंदर से आपको दिखाया गया है। और एक और आपको मैं ड्राइंग दिखाता हूँ, ये देखिए इस प्रकार। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसी के कारण हमारा रोटर रोटेट करता है, यानी कि घूमता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इस पर कोई लंबी सी वीडियो बना करके लाऊंगा।